दसलोकन यहाँ सबके नहीं लगे कि डॉक्टर के लापरवाही अपन जनकपुर धाम में जैसा के बहुत बढ़ रहा है। अही हफ्ता में देखियो दू गो मृत्यु के केस जैसा के मीडिया में आ चुके एहन घटना सब जैसा जनकपुर धाम में बहुत भ रहा है और बहुत जैसा के मीडिया में नहीं आ सके हालांकि अस्पताल जैसा के पैसा जाकर मुँह पतला लगा दे। दसलोकन बस कुछ दिन पहले ही डॉक्टर के लापरवाही से प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसा के एगो बच्चा के मृत्यु भगल रही है सुननी होगी मीडिया में। और दसलोकन आई देखियो जनकपुर धाम के प्रादेशिक अस्पताल में एगो सुतकेरी महिला के जैसा के ऑपरेशन पश्चात मृत्यु जैसा के भ गई और अहू में जैसा के अपन जन सब डॉक्टर के लापरवाही जैसा के बता रहा है। दसलोकन प्रादेशिक अस्पताल में ओना तो हरेक महीना में कुछ न कुछ आदमी सबके डॉक्टर के लापरवाही से जैसा के मृत्यु भे जाए से यहाँ सब मीडिया सब जैसा के सुननी ही होबे। दसलोकन प्रादेशिक अस्पताल में जो भी डॉक्टर सबके नौकरी भेल छे सब अपन प्राइवेट अड्डा जैसा के खोलने से यानी कि क्लिनिक खोलने से दसलोकन ऑन ड्यूटी यानी कि प्रादेशिक अस्पताल में जो भी डॉक्टर सबके नौकरी भेल छे ओकरा सब जैसा के आठ घंटा तो बिता भी पड़े छे बट वही आठ घंटा में जैसा के अपन क्लिनिको में जैसा के चल जाए यानी कि बेसी जरूरी पर प्रादेशिक अस्पताल में तो मात्र जैसा के डॉक्टर अपन क्लिनिक के जैसा के छोड़ के और ये जैसा के जो ऑपरेशन होते ऑपरेशन साथ जैसा कोनो भी गंभीर रोग सब रहल तक जैसा इलाज करा के लगी आए तो हबर हबर में फिर क्लिनिक से जैसा के फोन चलाए तो तुरंत के तुरंत जैसा के काम निपटा के ओकरा भागे पड़े छे तेहन अवस्था जैसा के अभी जनकपुर के छे और वही के कारण जैसा के एते आदमी सब जैसा के मर रहल छे। दसलोकन ओना कहल जाए तो मेडिकल के जते भी अस्पताल वाला रोड जे हब उ सब मेडिकल माफिया सब के जैसा के राज चलै छे लैब से लके हरेक सामान में जैसा के ठगी चलत और वे बिरामी के दर्द नहीं पॉकेट देखल जाए छे कि कते गरम ओकर पॉकेट छे और कते तक जैसा खर्चा कर सके छे वही अनुसार से जैसा ओकर इलाज करे छे। जनकपुर धाम के कोनो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती भ जाओ अहाँ के 60-70 हज़ार रुपया तो ओहने जैसे अहाँ उठ जाए। दसलोकन हमारा सुझाव दतबे रहते बहुत इमरजेंसी है तो जनकपुर तो ठीके से बट जैसे अहाँ के यदि रोग बलाई सब है यदि अहाँ सब कोनो रोग से पीड़ित छी तो अहाँ सब धरान जाओ विराटनगर जाओ काठमांडू जाओ बट जनकपुर जैसे अहाँ जाए के सुझाव हम नहीं देव इमरजेंसी है तो जनकपुर जा सके छी कैलाकि जे लग में रहे वही के जैसे अहाँ सबसे पहले यूज करे पड़े छे। दसलोकन चलू प्रादेशिक अस्पताल में जे सुतकेरी महिला के मृत्यु भेल छै तकरा कनी डिटेल में बात कर लै छी। दसलोकन महतौरी जिला के मटिहानी गाम के हासिम राइन के श्रीमती तजाबुल खातून के शुक्रवार शाम 7 बजे डॉक्टर जैसा के ऑपरेशन क के बच्चा निकालने छे। दसलोकन रात भर तक ठीक रहे बट भोरे जैसा सुतकेरी के मृत्यु भ गए आप सब परिवार जैसा डॉक्टर के दोष लगा रहा है और अचम्भ के बात अत है कि जे पुर्जी पर डॉक्टर के नाम लिखाएल रहा चाहिए वही जैसा के आठ आठ लिखाएल है यानी कि डॉक्टर के पते नहीं है कि कौन डॉक्टर जैसा के ऑपरेशन कैने से तो एहन हाल जैसा के प्रादेशिक अस्पताल के है। दसलोकन प्रादेशिक अस्पताल में एहन घटना सब जैसा के बहुत भ रहा है अभी तो अमे अहाँ केकर गलती देख रहा है अस्पताल के प्रशासन के या डॉक्टर सबके अपन प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में जरूर लिखब। दसलोकन वही सुतकेरी के दर्द शुरू भेला के बाद जैसे अहाँ के वैधी अस्पताल में लग गए बट वे के डॉक्टर जैसा के हम ऑपरेशन नहीं कर सके कह के प्रादेशिक अस्पताल में जैसा के पठा दिल्क प्रादेशिक अस्पताल में जैसा के अल बड़ बढ़िया जैसा के ऑपरेशन भाग के बच्चों भग गए तक के बाद 8-9-10 घंटा के बाद जैसा के वही महिला के मृत्यु भ गए आब अपन जन सब तेने गाँव के आदमी सब आके जैसा के हो हल्ला तेने जैसा के अस्पताल के अवस्था दिन भर जैसा के तनाव में रहें। दसलोकन अपन जनकपुर धाम में सुतकेरी के साथ की होइ छै से हम अहाँ सबके बता दै छी। सबसे पहले सुतकेरी के अबते मात्र ओकरा ऑक्सीटेशन वाला टेबलेट खुआ देत यानी कि दर्द होय वाला टेबलेट खुआ देत तैसे जैसे अहाँके नॉर्मल डिलीवरी करा देत कहीं ओकरा कहै छै और ऑक्सीटेशन वाला टेबलेट खुआ दै छै बट काठमांडू में और धरान में जैसे अहाँके खुआबै नहि छै। सबसे पहले जैसे अहाँके ऑक्सीटेशन ओकरा पाठेर के मुख पर रखै छै और 24 घंटा के बाद जैसे अहाँके अगर बच्चा नहि भेलै तब सलाइन के मार्फत से जैसा के ऑक्सीटेशन दिल जाए छे और वहू से नहीं मिली तब बाद में जैसा के ऑपरेशन करे छे बट जनकपुर धाम में जैसा के टेबलेट खुआ दे छे और टेबलेट जैसा कहते हानिकारक से बातें छो उहे टेबलेट जैसे अहाँ के बच्चा के अबॉर्शन करवा में जैसा के काम लगे छे अगर बच्चा नहीं भेलै तो टेबलेट जैसा के बहुत महिला के साथे बच्चा के जैसा के खराबी करे छे। दसलोकन अही सब दुआरे जनकपुर में बहुत सतर्क रहब और बढ़िया डॉक्टर से मात्र इलाज कराएब तेहन जैसा के अहाँ के पास समय हब तो काठमांडू चाहे जैसा के धरान चाहे विराटनगर जैसा के निकल जाए बढ़िया इलाज जैसा के ओतः भ जाए छे कम पैसा में। दसलोकन आब अहाँ सब कहू कि आई के घटना जो प्रादेशिक अस्पताल में भेल छै ताहिमे अस्पताल के प्रशासन की गलती छै कि डॉक्टर की गलती छै अपन प्रतिक्रिया जरूर नीचे कमेंट में लिखब। चलू भेटी साहब नेक्स्ट वीडियो में। जय मिथिला जय नेपाल।